जाने से बच रहे हैं उनके लिए? नहीं देखिए, अनफॉर्चुनेटली अब हमें आई थिंक सब पूरे विश्व में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पर हम अब समझ गए कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, सेफ्टी ऑब्वियसली बरतनी पड़ेगी, एक सामाजिक दूरी बना के रखनी पड़ेगी, और जब तक वैक्सीन नहीं आता है, जब तक दवाई नहीं आती है, तब तक ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये कई हमारी सरकारें भी कह रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों या सरकार हो या राज्य की सरकारें हों। सो आई थिंक कि कोरोना के साथ अब समझदारी से हमें डील करना पड़ेगा, लेकिन आम जिंदगी रुक नहीं सकती है। यू नो अल्टीमेटली हमने लॉकडाउन करके भी देख लिया, लेकिन मतलब रोटी तो कमानी पड़ेगी लोगों को। एंड जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हर ऐसा वेंचर हमें इसे हमें देखना चाहिए कि एक रोजगार का भी मौका है, और जो कि इस वक्त हमारे देश में सबसे जरूरी चीज है। शायद मैम कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स आ रहे हैं और फेस्टिवल्स बनाने के लिए लोग डर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूंगी कि मतलब इस गंदे से साल में कम से कम हमें अब कुछ खुशी और त्योहार मनाने का मौका मिल रहा है। आई थिंक कि ध्यान में रखना चाहिए, सावधानी से मनाना चाहिए, प्रिकॉशंस लेके मनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क रखने चाहिए, बट आई थिंक कि कोरोना का जो समय रहा है वो कलाकारों के लिए सबसे दुखद रहा है और वो अभी तक भी इस पूरी परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या मैम इसके लिए, और सैलून, जैसे सर ने बताया 3 सैलून ऑलरेडी थे और एक लंबे टाइम तक लॉकडाउन में रहा, तो एक इतना बड़ा सेटअप को मैनेज करना और उसको रनिंग कॉस्ट को निकालना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी होगा? नहीं, आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, आई हैव बीन मैनेजिंग सैलून्स फ्रॉम लास्ट 10 टू 10 इयर्स, तो दिस इज नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस, तो हो जाएगा। मैम कोरोना के लिए कलाकारों के लिए क्या रहेगा? नहीं देखिए, कलाकारों के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए खासकर ऑफकोर्स कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, साथ में जो मीडिया के साथियों से चपत लगी हमें पिछले 3 महीनों से, जो लताड़ें पड़ रही हैं वो भी काफी डिप्रेसिंग और बुरा दौर रहा बॉलीवुड के लिए। कई सारे बेबुनियाद और बहुत ही भद्दे किस्म के इल्जाम लगे हमारे ऊपर, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को तो डबल अटैक आया है, इसलिए मेरी हैप्पी टू वह जी जिन्होंने हमें वापस बुलाया, बनिस्पत इसके कि इतने आजकल बॉलीवुड के लोग बदनाम हैं, बट थैंक यू टू हिम फॉर